नमस्कार दोस्तों, हमारे अपनी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए जो है MP पुलिस कांस्टेबल 2020 के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं। इससे पहले दोस्तों हमने 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं और ये वीडियो भी आप यकीन मानिए लगभग 30 से 40 मिनट का जो है होने वाला है, जिसमें दोस्तों हम लगभग 400 से 500 क्वेश्चन GK और साइंस के डिस्कस करने वाले हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। पहला क्वेश्चन, ज्वार और सफ़ेद मटर क्रमशः निम्नलिखित में से किसके द्वार उदाहरण हैं? तो दोस्तों ये जो है अनाज दालें हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको हराने के बाद शेर शाह ने खुद को भारत का शासक घोषित किया? तो दोस्तों ये हुमायूं को जो है हराया था शेर शाह ने, ठीक है। और शेर शाह जो है अफगान वंश का शासक था, ठीक है। और शेर शाह का मकबरा जो है सासाराम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल की गुरुकुल शिक्षा में कौन सा विषय शामिल नहीं था? तो दोस्तों जो नैतिकता है वो सोशियोलॉजी है शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान के शासनकाल में यह स्पष्ट हुआ कि उत्तरी भारत एक अलग राज्य दिल्ली सल्तनत होगा? तो दोस्तों इसका जो आंसर है इल्तुतमिश ने ऐसा सोचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा महाराष्ट्र का मछुआरा लोक नृत्य है? तो दोस्तों जो कोली है ये महाराष्ट्र का मछुआरा लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नृत्य दक्षिण भारतीय गुजरात के लिए डांडिया नृत्य के समकक्ष है? तो दोस्तों जो इसका आंसर है कोलटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में कब भाग लिया था? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसके आने की संभावना है क्योंकि अभी कुछ ही साल पहले राष्ट्रमंडल गेम हुए थे। तो दोस्तों जो इसका आंसर है 1934 में शुरू हुए थे। मैं आपको बता दूं दोस्तों, राष्ट्रमंडल जो खेल हैं ये उन देशों के खेल हैं जो राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं। राष्ट्रमंडल दोस्तों उन देशों का संगठन है जो कभी ना कभी ब्रिटेन के उपनिवेश या गुलाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 400 मीटर दौड़ में एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला कौन है? तो दोस्तों कमलजीत संधू जी हैं। ये दोस्तों करंट का क्वेश्चन है GK में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे कितने रास्ते हैं जिसमें भारत की FDI मिलता है? तो दोस्तों जो है 2 रास्ते हैं, ठीक है, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। नेक्स्ट दोस्तों, सर लुडविग गटमैन को किस खेल के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों जो इसका आंसर है पैरालंपिक के रूप में। नेक्स्ट है दोस्तों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में सर्वाधिक हिस्सेदारी किसके पास होती है? तो दोस्तों केंद्र सरकार के पास होती है। नेक्स्ट है, भारत भवन का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों 1982 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश के में मराठी साहित्य अकादमी स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर है भोपाल। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी शरद जोशी की पुस्तक नहीं है? तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप अच्छे से पढ़ें, इसमें कौन सी पुस्तक नहीं है ये बोला गया है। तो दोस्तों अशोक के फूल ये नहीं है और सभी हैं, जैसे दो व्यंग नाटक, नदी में खड़ा कवि, यात्रा तत्र सर्वत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा किला भारत में किलों में से मोती के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों ग्वालियर का किला, और ग्वालियर में दोस्तों काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, सास बहू मंदिर है, और दोस्तों ग्वालियर के किले को जो है जिब्राल्टर भी बोला जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है, और दोस्तों यदि बात करें मदन महल का किला, ये जबलपुर में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चित्रगुप्त जो मंदिर है कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये खजुराहो में स्थित है, खजुराहो के मंदिर दोस्तों ये छतरपुर में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन आवरण है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, वन आवरण है तो दोस्तों 25.14% में। नेक्स्ट है दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो दोस्तों 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार का एकाधिकार है तो दोस्तों किस में है? तो दोस्तों पेट्रोलियम उत्पाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश भारत में तेंदुपत्ता उत्पादक राज्य है? तो दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये सबसे बड़ा तेंदुपत्ता उत्पादक है। और दोस्तों तेंदुपत्ता का जो उपयोग है, ये बीड़ी जो होती है उसमें उपयोग किया जाता है बनाने में। नेक्स्ट है दोस्तों, पोर्सिलेन फिल्टर का उपयोग विशेष रूप से किस प्रेरक एजेंट को छानने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों बैक्टीरिया। नेक्स्ट, जल प्रदूषण के मामले में निम्न में से कौन सा अपवाद है? तो दोस्तों हाइड्रला। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गीत
गीता एक छात्र से मिलती है, उसे भूगोल का प्रश्न हल करने को कहा जो कहता है कि वो कौन सा ग्रह सबसे अधिक पानी रखता है। इसका गीता ने उत्तर कौन सा दिया? तो दोस्तों पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर पानी है। नेक्स्ट है दोस्तों, दूषित हवा, पानी, भोजन, रोग वाहक के फैलने वाले रोग क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों ये जो है संक्रामक रोग कहलाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, एड्स के सही रोग निदान के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों एल्सा जो है एड्स के परीक्षण के लिए किया जाता है। और दोस्तों एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशियंसी सिंड्रोम। ये दोस्तों एक HIV वायरस है और ये जो है यौन संग मतलब असुरक्षित यौन संबंध और दोस्तों नाई के औजारों से और डॉक्टर की सुई वगैरह से इससे जो है फैलने की संभावना है। नेक्स्ट है दोस्तों, क्षय रोग किस रोगाणु से होता है? तो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता रहता है दोस्तों एग्जाम में। तो दोस्तों ये दोस्तों माइक्रोबैक्टीरियम तपेदिक से जो है फैलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रबी की फसलें उगाई जाती हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये आप सभी को मालूम है जो है ये विंटर में उगाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा तेल उत्पादक फसल है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों तेल उत्पादक फसल देखिए सरसों होती है, सूरजमुखी होती है, मूंगफली होती है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, आचार विज्ञान का अध्ययन है? तो दोस्तों आचार विज्ञान का अध्ययन जो है व्यवहार परक विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यह एक या एक से अधिक रूपात्मक रूप से समान अंतर प्रजनन करने वाले व्यक्ति का एक समूह है जो अनुवांशिक रूप से अलग और प्रजनन रूप से दूसरों से अलग होते हैं। तो दोस्तों प्रजातियां। नेक्स्ट दोस्तों फिर ये कथन कारण वाला है, कथन है दोस्तों, सीवेज को उपचार से पहले नदियों महानगरों में नहीं बाया जाना चाहिए, सही बात है। और इसका कारण है दोस्तों, जलीय जंतु और प्रजातियां प्रदूषण के कारण मर जाएंगी। तो दोस्तों ये दोनों ही सही बात है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से कौन व्यक्तिगत स्तर पर वायु प्रदूषण को कम करने का तरीका नहीं है? तो दोस्तों जो इसका आंसर है, हमें सूखे पत्तों, कागज़ों और कचरों को खुले में जलाना चाहिए, ये तो दोस्तों इससे कम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कथन कारण, कथन है विद्युत उपकरण जैसे एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर बाष्पशील यौगिक छोड़ते हैं। कारण है इन उपकरणों के अत्यधिक उपयोग से ओजोन परत को अधिक नुकसान हो सकता है, जिससे अधिक प्रदूषण हो सकता है। तो दोस्तों ये दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनाव की स्थिति के दौरान पेनिसिलियम कुछ प्रजातियों द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो दोस्तों ये पेनिसिलिन। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोयले का प्रथम चरण है? तो दोस्तों पीट कोयला जो है पहले बनता है। अब दोस्तों मैथ रीजनिंग के 65 क्वेश्चन आ गए हैं, आगे चलते हैं दोस्तों हम दूसरे क्वेश्चन पेपर की ओर। मैं आपको बता दूं फ्रेंड, मैं MP पुलिस कांस्टेबल में 65 क्वेश्चन जो है मैथ रीजनिंग और 35 क्वेश्चन जो है GK साइंस के पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पेपर की ओर। ये दोस्तों आ गए हैं हम 8 तारीख की, ये फर्स्ट शिफ्ट ही है, ये 8 फेब की। क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से गलत युग्म का जो है चयन कीजिए। तो दोस्तों जो गलत युग्म टप्पा उत्तर प्रदेश, ये गलत है। तीज गाने राजस्थान, बुर्रा कथा आंध्र प्रदेश, भाका जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है दोस्तों, वह कार्य चुने जो भुगतान बैंक नहीं कर सकते। तो दोस्तों यह ऋण जारी नहीं कर सकते, ठीक है, यह केवल मांग जमा स्वीकार कर सकते हैं, यह क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकता, यह किसी भी अन्य बैंक की तरह है लेकिन छोटे या प्रतिबंधित पैमाने पर काम करता है। नेक्स्ट है, घड़िया पूजा और पितक महोत्सव किस राज्य में मनाए जाते हैं? तो दोस्तों ये जो है त्रिपुरा। नेक्स्ट है, होम रूल लीग आंदोलन के गठन में कौन दो व्यक्ति सम्मिलित थे? तो दोस्तों ये लाला लाजपत राय और एनी बेसेंट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर की इटली में पुनर्जागरण का मूल माना जाता है? तो दोस्तों जो है किस शहर को इटली में? तो दोस्तों फ्लोरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तो दोस्तों जो है जवाहरलाल नेहरू जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत और श्रीलंका को अलग करता है? काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों पाक जल डमरू मध्य जो है
अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड सीरीज हॉकी में मध्य प्रदेश की हॉकी टीम का नाम क्या है? तो दोस्तों ये जो है भोपाल बादशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में राज्य का पहला 10 मंजिला औद्योगिक अनुसंधान पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों इंदौर। नेक्स्ट, कच्चा और मच्चा के दो बड़े बलुआ पत्थरों के चित्र कहाँ मिलते हैं? दोस्तों ये कारितलाई। नेक्स्ट, आगरमालवा के बैजनाथ महादेव मंदिर के मंदिर शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों 50 फिट। नेक्स्ट, अजयगढ़ किस किले किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये पन्ना। नेक्स्ट, डॉक्टर लीला जोशी को पद्मश्री से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर है ये दवा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्थान 5वीं शताब्दी से हथकरघा करघा बुनाई का केंद्र रहा है? तो दोस्तों महेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु की शुरुआत किस महीने में होती है? तो दोस्तों नवंबर। नेक्स्ट है, भोपाल में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों काफ़ी कम है ये, तो दोस्तों इसका जो आंसर है 445.21 हेक्टेयर। नेक्स्ट है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान की सबसे बड़ी पहाड़ी है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो दोस्तों ये कान्हा पहाड़। नेक्स्ट है, निम्न में से मध्य प्रदेश के पहले राज्यवार काउंसिल के अध्यक्ष हैं? तो दोस्तों RS दाविर जी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस बार छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग किया गया था? काफ़ी लड्डू सा क्वेश्चन, सन 2000 में, ठीक है, 1 नवंबर को। देखिए दोस्तों, जो 16 जिले जो है अलग किए गए थे, जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक ही थे तो 61 जिले थे, तो 16 जिलों को अलग करके छत्तीसगढ़ बनाया गया था। उसके बाद में MP में 45 जिले बचे थे। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में IMF के कितने सदस्य हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण, तो दोस्तों 190। पानी का आणविक द्रव्यमान क्या है? तो दोस्तों ये 18। नेक्स्ट है, ध्यान करने से क्या सुधार हो सकता है? तो दोस्तों ये मानसिक स्वास्थ्य सुधार हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइला थैलोफाइटा का कौन सा वर्ग पूर्ण रूप से एकल कोशिका होता है? तो दोस्तों बैक्टीरिया। नेक्स्ट, जीवाणु के अणु के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के माध्यम से रोगों के प्रसार को रोकने के लिए निम्न में से कौन सी सावधानियां नहीं बरतनी चाहिए? तो दोस्तों क्लोरीन युक्त पानी पिए। नेक्स्ट है, भारत में उल्लेखनीय जैव विविधता हॉटस्पॉट है जहां 1500 स्थानिक पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है पश्चिमी घाट में। फिर दोस्तों ये टेबल दिया है, इसका जो आंसर है दोस्तों बी सही है, यानी कि पहले का बी एंथोजोआ मेट्रिडियम, दूसरे का ए स्किफोजोआ ऑरेलिया हाइड्रोजोआ फिजलिया। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो दोस्तों बर्फ का पिघलना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो दोस्तों टमाटर का हरे रंग से लाल हो जाना। नेक्स्ट, निम्न में से किस उद्देश्य के लिए मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों दाब मापना। एक औसत वयस्क में लगभग मृत त्वचा होती है, तो दोस्तों कितना होती है? 2 किलो। नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति पीला दिखता है, थका हुआ महसूस करता है, चोट लगने के बाद ठंड का अनुभव करता है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है दोस्तों सदमे का अनुभव। नेक्स्ट है, मीटर कन्वेंशन पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? तो दोस्तों ये 1875 में। नेक्स्ट है, द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा आवासीय सीधा वस्तु के आकार से छोटा होगा? तो दोस्तों जो है अवतल लेंस। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा फोम है? तो दोस्तों जो है सेविंग क्रीम। फिर दोस्तों नेक्स्ट पेपर की ओर हम चलते हैं। ये 8 फरवरी का पहला पेपर जो है हो गया है। दोस्तों पहला क्वेश्चन है सेकंड शिफ्ट का, निम्न में से कौन सा सही कथन नहीं है? तो दोस्तों मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये गलत है। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी।
भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो सुशील चंद्रा हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, 20 होती है, लेकिन अभी ये जो है 13 ही है, यहाँ पर 7 सीट खाली हैं। नेक्स्ट है, द्वीपों के समूह को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको जो है आर्किपेलागो कहा जाता है, पिलागो। नेक्स्ट, कौन तत्सला विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे? तो दोस्तों कौटिल्य। नमामि गंगे प्रोग्राम किस प्रधानमंत्री ने शुरू किया? तो दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने। दीपक राग निम्न में से किस दिन के समय गाया जाता है? तो दोस्तों रात। नेक्स्ट, निम्न में से किस अवसर पर प्रसिद्ध कजरी लोकगीत गाया जाता है? तो दोस्तों ये बुआई। नेक्स्ट है, बंगला त्यौहार किस राज्य में है? तो दोस्तों मेघालय। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ बनाया गया है, बनाया जा रहा है? काफ़ी महत्वपूर्ण, तो दोस्तों ये सागर में बनाया जा रहा है, ठीक है, सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निधन हुए कैप्टन वरुण सिंह क्या थे? तो दोस्तों ये कहाँ के थे? तो दोस्तों ये भोपाल के थे। नेक्स्ट दोस्तों, कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नहीं दिया जाता? काफ़ी महत्वपूर्ण, तो दोस्तों राष्ट्रीय मोहम्मद रफ़ी सम्मान नहीं दिया जाता। नेक्स्ट है, सत्येंद्र सिंह लोहिया को किस वर्ष तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री अजय चौधरी को किसके क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण मिला है? तो दोस्तों ये आईटी के क्षेत्र में काम करते हैं। और नेक्स्ट है, पातालेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये जो है अमरकंटक में स्थित है, और दोस्तों अमरकंटक से ही नर्मदा सोन और जोहिला नदी निकलती हैं। नेक्स्ट है, कौन सा जिला चंबल नदी चंबल संभाग में नहीं है? तो दोस्तों विदिशा जिला जो है नहीं है, सोपुर मुरैना भिंड ये तीनों हैं, और चंबल संभाग का हेडक्वार्टर मुरैना है। नेक्स्ट है, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? काफ़ी महत्वपूर्ण, तो दोस्तों भोपाल में। नेक्स्ट, रातापानी वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों जो है रायसेन। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश वन उपज अधिनियम किया गया? तो दोस्तों ये 1969। नेक्स्ट, हरदा जिले में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों ये काली मिट्टी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विश्व के सबसे बड़े तेल निर्यातक देशों में कौन शामिल नहीं है? तो दोस्तों पाकिस्तान। नेक्स्ट, जल एक प्राकृतिक संसाधन है जिसे पूर्व चक्रण द्वारा वापस किया जा सकता है? तो दोस्तों ये नवीकरणीय। नेक्स्ट है, फल खाने को माना जाता है? तो दोस्तों ये जो है स्वस्थ अच्छा माना जाता है। फिर दोस्तों साइंस के क्वेश्चन आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन फाइला थैलोफाइटा के वर्ग शैवाल से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों ये लामिनारिया, क्लेमाइडोमोनस और स्पायरोगायरस गायरा। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन टेरिडोफाइट्स का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों मार्केंसिया और रिक्सिया। फिर दोस्तों ये जोड़ी मैच करने वाला आ गया है, इसका आंसर डी है। तो दोस्तों पहले का ए, दूसरे का सी, यानी कि दोस्तों मौसमी हवाएं मानसून, स्थानीय हवाएं पश्चिमी हवा, स्थानीय हवाएं ये अस्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक स्पेस को उसी प्रकार के पौधे के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे बड़े पैमाने पर खाद्य पदार्थ के उद्घाटन के लिए उगाया जाता है? तो दोस्तों फसल। नेक्स्ट है, एनाल्जेसिक दवा के कार्य करके चुनिंदा दर्द से राहत देती है? तो दोस्तों CNS। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा फाइबर लकड़ी के गुद्दे से बना होता है? तो दोस्तों रेयन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होती है? तो दोस्तों पारा होता है, ठीक है सर, पारा। नेक्स्ट, एक व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है क्योंकि इसका अग्नाशय हार्मोन का उत्पादन नहीं करता? तो दोस्तों इंसुलिन हार्मोन का। नेक्स्ट, डिप्थीरिया किसका एक गंभीर संक्रमण है? तो दोस्तों नाक और गले का। नेक्स्ट है,
दोस्तों फोन में समस्या आ गई है, ये हैंग हो गया। तो ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।